नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे लेसन नंबर 2 क्लास 12। नाम है इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मॉल कंसेप्ट। विलियम वाले लेसन में से बोर्ड एग्जाम में मॉल कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन जरूर आता है। मॉल कंसेप्ट बोर्ड एग्जाम ही नहीं बल्कि बड़े एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मॉल कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉल कंसेप्ट के अंदर मॉल अवधारणा देखेंगे अपन, जिसमें सबसे पहले जानते अपन मॉल। मॉल है क्या चीज बच्चों? मॉल एक संख्या है। मॉल इज ए नंबर। मॉल एक संख्या है जिसे अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अवोगाद्रो संख्या, इट इज डिनोटेड बाय एन ए, नंबर ऑफ अवोगाद्रो। मॉल की जो परिभाषा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम ऐसे करें, कार्बन 12 C12 एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। कार्बन 12 के 12 ग्राम में, 12 ग्राम मात्रा में कार्बन एटम की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर मॉल। यह मॉल की परिभाषा है। दोबारा देखते हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणुओं की संख्या मोल कहलाती है, और एक मोल की वैल्यू की 6.023 इंटू 10 to power 23। एक मोल राशि कोई भी हो, जैसे मैं कहूं मेरे पास एक मोल पेन है, तो इसका मतलब कितने पेन है? इतने पेन है, 6.023 × 10³³ पेन है मेरे पास। कोई कहे कि मेरे पास एक मोल केले हैं, बनाना है, तो इसका मतलब कितने केले हो गए? इतने केले हो गए। एक मोल पुस्तकें मतलब कि इतनी सारी पुस्तकें होगी। तो एक मोल 6.023 इंटू 10³² को अपन एक मोल समेत करते हैं, इसे ही एक मोल कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, एक मोल बुक्स मतलब 6.023 इंटू 10³ कोई कहे कि 5 मोल बुक्स, तो 5 मोल बुक्स का मतलब हो जाएगा 5 × 6.023 × 10³। तो जितने मोल कोई चीज है उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए उन मोलों की संख्या को अपन इस संख्या से गुणा कर लेते हैं, तो हमें मोलों की संख्या पता लग जाएगी। ठीक है, कोई कहे हमारे पास आधा मोल पेन है, तो इसका मतलब कितने पेन हो गए? 6.023 × 10³³ × 1/2। ये इतने सारे पेन हो गए। तो मुझे उम्मीद है आपके मोल शब्द समझ में आया होगा। अब मोल पदार्थों की मात्रा में हम किस तरीके से निकालेंगे वो भी अपन देखते हैं। यहां इंपॉर्टेंट बात, मोल की परिभाषा और एक मोल संख्या क्या होती है इसको जानना बहुत जरूरी था। मोल ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ग्राम मात्रा अपॉन अनुभार। इसको लिखते हैं अपन मोलेक्युलर में। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला है ग्राम वैल्यू अपॉन मोलेक्युलर मास। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1, 36 ग्राम H2O के मोल बराबर क्या होंगे? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल
ग्राम वाटर देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे आंसर। फॉर्मूला है मोल बराबर ग्राम वैल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। नाउ वी नो दैट H2O ग्राम वैल्यू इज 36 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास H2O। इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा अणु भार जो होगा वो इसके समस्त परमाणुओं के भारों का योग होगा। कैसे? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के एटम का भार 1 होता है, ऑक्सीजन के एटम का जो भार होता है मास होता है वो होता है 16। तो 2 है तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन के एटमों की संख्या 2 और एक एटम का परमाणु भार जो होता है वो 1 तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के एटम है 1 इंटू एक एटम का मोलिकुलर सॉरी एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 16 इक्वल 2 प्लस 16 इक्वल 18 यूनिफाइड मास। यू फॉर यूनिफाइड मास यानी कि हम कह सकते हैं कि बराबर इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वह 18 होगा 18 बराबर। तो ये हो जाएंगे 2 बार 2 टाइम्स तो 2 ग्राम पर अणु भार ये हो गए इसके मोल्स। तो मोल की यूनिट ग्राम प्रति अणु भार होती है क्योंकि मोल का